देखिए आप बहुत अच्छा स्वागत करिए, अभिनंदन करिए तालियों से सपना गोयल जी जो इस सनातन सेना की अध्यक्ष हैं, वो भी इस हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। आई सपना जी सीधे आ जाइए आप जो है। तो सब लोग जो है देखिए, ये इस अभियान की मुख्य नायिका है, जिनके प्रेरणा से हम लोग संगठन तो 1997 से चला रहे हैं। उन्होंने अनेक लखनऊ के मंदिरों का जीर्णोद्वार कराया है। तमाम ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जहां कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं था, ऐसे अनेक मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्वार कराया है। और जब हमको इनके बारे में पता चला तो हम लोगों ने अभिनंदन करना चाहेंगे पंडित जी हमारी अध्यक्षा सपना गोयल जी का। अरे नहीं नहीं, आप इनके नेतृत्व में यह पूरा अभियान चल रहा है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और सभी दिव्य आत्माओं को मेरा जय श्री राम। भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना जो है वो बहुत बड़ा दल है और भारतीय संस्कृति जो हमारी पहचान है, हमारा अध्यात्म, उसका पूर्ण रक्षक है। इसीलिए हमारे भाई जी की जो 26 साल की तपस्या है वो उन्हें भारत संस्कृति के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। और आज आप सभी के बीच यहाँ हम लोग इसी उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि हम सारी आत्माएं, दिव्य आत्माएं जो इस समय पृथ्वी लोक पे विराजमान है, एक साथ हैं, तो हमारा मूल कर्तव्य और मूल दायित्व ये है कि हम अपने परमात्मा को एक साथ ही याद करें। उसके लिए हमने हर मंगलवार को स्थानीय मंदिर पे और स्थानीय लोगों द्वारा, ना कि बाहर के लोग आए या कहीं और के आए, अपना अपना मंदिर निश्चित कर ले और हर मंगलवार को वहाँ सुंदरकांड स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमारे बजरंग बली का जो भी शक्तियां, जिस तरह उन्होंने लंका पे, आप सब जानते हो कि किस तरह से उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त कर ली भगवान ने, किसके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। तो इसी तरह हमें यहाँ एकत्र होके असुरी प्रवृत्तियों का नाश करना है और अपने पूरे भारतवर्ष का कल्याण करना है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी सुंदरकांड स्टार्ट होने के बाद रुकना नहीं चाहिए, चाहे दो ही लोग करें, चाहे आप पे कोई साधन हो या ना हो, सिर्फ भगवान के आगे दिया जलाइए और शुरू कर दीजिए। यदि प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो बताइए, हम लोग प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सुंदरकांड के द्वारा हनुमान जी का गुणगान हर तरह से होना है। देखिए हम लोग जो है क्या सोचते हैं कि हम आनंद मिले हमें, लेकिन असली आनंद हमें परमात्मा में ही मिलेगा। जो उससे उमंग और उससे जो शक्ति मिलती है, आप चाहे कितना अच्छा खा लो, कितना अच्छा पहन लो, कितना सो लो, कितना कमा लो, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो परमानेंट है ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो असली हमें जो पावर मिलती है वो परमात्मा से है। लेकिन अब अजीब बात, सबसे अजीब बात इस समय क्या है कि हमारा परमात्मा से रिश्ता गैरों जैसा हो चुका है। हम गैरों जैसे, हम उसको जो है अपने मतलब के उद्देश्य से सिर्फ याद करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए या हमें कुछ मिल जाए, है ना। हम कहते हैं ना भगवान से कि हम आपको 200 रुपए का प्रसाद, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान हमारा, ये का बस यही तक हमारी कहानी सीमित हो के मतलब हो चुकी है। और बच्चों में तो वो भी नहीं है, बच्चे तो हमारे मतलब समझिए कि नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है वो बहुत गलत बन रहा है। तो इस माहौल को सुधारना है और हमें अपनी पीढ़ियों को भी बताना है कि किस तरह से हमारी धर्म में, हमारे सत्य सनातन में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। हम ही सृष्टि के रचयिता हैं, हम ही सतयुग हैं, हम ही द्वापर हैं, हम ही त्रेता हैं, हम ही कलयुग हैं। तो उस हिसाब को लेके और अपने गुरुओं को पहचान के आगे चलना है। जिस तरह नारियां अपने घर को संभालती हैं, पूरा समर्पण करती हैं अपने घर के प्रति और जानती हैं कि हमारा घर किस तरह
इसी तरह उन्हें अब ये समझना है कि हमारा धर्म कैसे चलेगा। धर्म की सेवा में अब नारियों को आगे आना है, अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि हमें हर तरफ से अपने धर्म को पूछना है, जानना है, समझना है और हमेशा ध्यान करना है भगवान का। सब काम करो, खाओ पियो सब करो, लेकिन भगवान का ध्यान हमेशा सुबह करते रहो। इसलिए यहाँ पे सबको मेरा संदेश है, सभी लोग तन मन धन से वही साथ जाएगा, हमारे कुछ नहीं जाएगा। तो भौतिक साधनों के हिसाब से काम धंधा या अच्छी साड़ी पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, ये कोई परमानेंट नहीं है। कभी अच्छा बहुत अच्छा खा लिया पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से असली सुख उसी में है, ये इस बात की खोज करनी है। और हमारे शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, उसमें बहुत शक्ति है। तो जब आप उसमें खोएंगे, जानेंगे तो अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसी से हमारी पीढ़ियां जो है बलवान होंगी। नहीं तो देखिए बच्चे भी हमारे कितने कमजोर पैदा हो रहे हैं, पीढ़ियां कितनी जो है सब गर्भ में जा रही है, बहुत बुरा माहौल बनता चला जा रहा है। तो इसको सुधारिए और सब लोग सुंदर कांड में लीन होइए किसी तरह। और बस मेरा यही कहना है कि सभी आत्माओं को हर तरह से मंगलवार को सुंदर कांड में आना है, काम छोड़ के आइए। दूसरे क्या नमाज होती है, बच्चा बच्चा जाता है, पूरे तन मन से जाता है और दिखाता है, और हमें भी पता है कि बंदे को छुट्टी देनी है, क्या नमाज है। इसी तरह हमें सुंदर कांड करना है और लोगों से कहना है चलो मंदिर पे सुंदर कांड शुरू होने वाला है, सब लोग चलो। तो इसीलिए सब हम लोग दिव्य आत्माएं हैं और धर्म की सेवा करना चाहते हैं। तो अब समय आ चुका है, सभी लोग भक्त की पुकार को सुनिए और मंदिरों पे जाके सुंदरकांड हर मंगलवार को स्टार्ट करें। बहुत सुना था मैंने सपना जी के बारे में, आज दर्शन हो गए, बहुत अच्छा संकल्प लेके चलिए। इस पाठ की शुरुआत करी गई है, बहुत ही शुभ संकेत है और हम कोशिश करेंगे। सपना जी से भी वादा है, आदरणीय भाई भाई हमारे श्रीनिवास जी से भी वादा है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरा प्रयास करूंगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।